Assalamu alaikum. A very happy lovely morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine, isn't it? Say alhamdulillah. You all are fine by the grace of Allah. Yes, today we are present in our social studies class. जी और आज हम क्या करने वाले हैं? Today we are discuss about civic skills, isn't it? जी हाँ, यानी कि माशरे में रहने के लिए कुछ rules and regulations को follow करना पड़ता है ताकि हम अपने आप को एक बेहतर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शार्प प्रूफ कर सकें, isn't it? Yes. तो आज हमारे पास सिविक स्किल में कौन सी सिविक स्किल मौजूद है? ओपन पेज नंबर 45, दैट इज फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौके की तलाश में रहना. जी, मौके की तलाश में हम किस तरीके से रह सकते हैं भाई? हम लोगों से पूछ सकते हैं, लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ भी ऐसा हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ऐसा होता है ना? जी, और उसके अलावा हमें अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ताला के पर भरोसा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए ज़रूर बेहतर करेंगे. ठीक है, अच्छा. स्मार्ट पीपल जो हैं वो हमेशा मौकों की तलाश में रहते हैं. जब मौका, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जिस फील्ड में हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो हम इसी उसमें रहते हैं कि इसी फील्ड में हमें कोई अच्छी सी जॉब भी मिल जाए, इज़न्ट इट? जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम मौके की तलाश में रहते हैं. हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर हमारी रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब मौजूद है. हम लोगों से बातचीत करते हैं, हम न्यूज़पेपर को फाइंड आउट करते हैं, हम नेट पे सर्च करते हैं, इज़ देयर एनी जॉब अवेलेबल. तो दीज आर द कॉल्ड एज फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि मौके की तलाश में रहना. ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और ये हमें बहुत ज़्यादा यानी कि हमें सक्सेस की तरफ भी ले जाता है. हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं अपने फील्ड से रिलेटेड जो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशंस दे रहे होते हैं, वो हमें आगाह कर रहे होते हैं कि क्या क्या बातें हैं, क्या किन किन बातों पर आप अमल कर सकते हैं और आप कौन से स्टेप फॉलो कीजिए जो कि आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे. ठीक है, चलें अब हम देखते हैं कि हमें अपनी बुक में फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में क्या बताया जा रहा है. अपॉर्चुनिटी कैन बी न्यू इन्फॉर्मेशन, टेक्निक, बिजनेस आइडिया और टॉपिक फॉर फर्दर रिसर्च. यानी कि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना किसी भी टेक्निक के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में कोई आइडिया कलेक्ट करना या फिर उसके बारे में कुछ रिसर्च करना. स्मार्ट पीपल कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़. स्मार्ट पीपल जो होते हैं वो मौक़ों की तलाश में रहते हैं. सक्सेस कम्स टू पीपल हु कैन आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी. सक्सेस जो है वो उन्हीं पीपल लोगों के पास आती है जो कि मौक़ों की तलाश में रहते हैं. अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ एंड फिटनेस, साइंस, लर्निंग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन. अच्छा, कितने तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? हेल्थ एंड फिटनेस में भी हो सकती है, साइंस, लर्निंग, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन में भी बहुत सारे मौके हमारे पास मौजूद होते हैं. हाउ डू यू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज ट्रस्ट इन अल्लाह. सबसे पहले हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए एंड बिलीव डैट ही विल कीप सेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. और हमें इस बात पर पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन मौके फराहम करेंगे. कीप लुकिंग, रीडिंग एंड थिंकिंग. उसके अलावा हमें भी आगे पीछे अपने देखते रहना पड़ता है, न्यूज़पेपर्स रीडिंग करने पड़ते हैं और लोगों से भी डिस्कस करना पड़ता है. लुक फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है. लिसन टू इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स. इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं. टॉक टू एक्सपर्ट्स. उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं आप उनसे बातचीत कर सकते हैं. यूज़ एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट अ न्यू आइडिया एंड डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई आउट अ न्यू आइडिया. और आपने सोचना है कुछ न्यू आइडियाज़ सोचने हैं, पुराने आइडियाज़ को थोड़ा साइड में रखना है और कोशिश करें कि अपने माइंड में एक्सप्लोरिंग माइंड यानी कि एक्सप्लोरिंग एक्टिविटीज़ लेकर आएँ और अपने न्यू आइडियाज़ जो हैं वो दुनिया के सामने रखें.
activity. There are 5 categories of activities mentioned above. यहाँ पर 5 categories बताई गई हैं opportunities की. What can you do to find opportunities in these areas? यानी कि science, learning, business, technology, education. इसमें आपको ये 5 techniques जो हैं वो बताई गई हैं. ठीक है, categories बताई गई हैं. अब आप सोचें कि इनमें मौके फराम यानी कि find out करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, ये आप अपनी टीचर के साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये आपका टास्क है कि आपने अपनी टीचर के साथ ये डिस्कस करना है कि अगर आपको साइंस या बिजनेस या टेक्नोलॉजी में कोई मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे. हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़. We'll be right back.